चलते आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में धांधली, युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मजदूर के नाम खरीदी थी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, आयकर विभाग ने जब्त की। बुजुर्ग महिला को पड़ोस में रहने वाले युवकों ने इतना पीटा कि मारी डाला। अब खबरें विस्तार से। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में धांधली, युवक कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर नागपुर के विद्यार्थी छोटी छोटी लाइब्रेरी में सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए जी तोड़ तैयारी करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी आया है, जिसे लेकर विद्यार्थी असंतोष में है। यही वजह है कि परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में आंदोलन किए गए हैं। नगर सेविका नेहा राकेश निको से के नेतृत्व में पाटनकर चौक पर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में नगर सेवक प्रफुल्ल गुद्देदेव पाटिल भी उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने बताया कि नियमित मुद्दों पर सरकार के प्रति उन्हें संदेह है। मजदूर के नाम खरीदी थी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, आयकर विभाग ने जब्त की। राजस्थान में अनोखा मामला सामने आया है, जब आयकर विभाग की जाँच में पता चला की एक मजदूर 15 जमीनों का मालिक है, जिसका मूल्य करोड़ों रुपए में है। जांच में पाया गया कि दरअसल एक बड़े समूह के मालिक ने अपने काम करने वाले एक मजदूर के नाम पर संपत्ति रखी थी। राजस्थान में आयकर विभाग ने बेनामी निषेध की यूनिट ने बुधवार को जयपुर दिल्ली हाईवे पर कुकुस और खोरामीना गांव में 15 संपत्तियों की बेनामी मानते हुए प्रोविजनल रूप से अटैच कर दी है। इसके एक बेनामी बैंक खाता भी अटैच किया गया है। आयकर विभाग ने इस साल जनवरी में ओम ग्रुप के प्रतिष्ठानों पर तलाशी कर कार्रवाई की थी। बुजुर्ग महिला को पड़ोस में रहने वाली युवकों ने इतना पीटा कि दम ही तोड़ दिया। उत्तर पूर्वी के दयालपुर इलाके में महज कूड़ा फेंकने के विवाद में हुए झगड़े में घायल बुजुर्ग महिला को हमीदन बेगम 65 साल की उम्र बताई जा रही है, जहां गुरुवार को जेबीजे अस्पताल में मौत हो गई है। हमीदन पड़ोसी में युवकों ने घर में बंद कर बेरहमी से पीटा गया था। इसी बीच बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उस समय हल्की धाराओं का मामला दर्ज कर एक आरोपी शाहरुख उर्फ मोहम्मद उसे उर्फ अनिल और सोनू को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। जहां गुरुवार शाम को हमीदन की मौत से गुस्साए परिजनों ने चांदबाग की पुलिया पर शव रख कर प्रदर्शन किया। इसी बीच आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब